तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस बकवास पॉडकास्ट में। तो आज आ रहे हैं हमारे शेख कौन बुरान शेख बम्मा भाईन पे आ जाऊंगा मैं इनकी नहीं शेखों के शेख अभी भी कम फ्रॉम दुबई। तो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का गेस्ट का। तो वेलकम है अभी भी रेशमा आंटी बाहर आ जाओ अंकल से मिल लो। तो अभी भी वेलकम है आपका हमारे बकवास पॉडकास्ट में। चुप्रान चुप्रान वैसे ये बकवास का माना क्या होती? बकवास में बी का माना होता है बहुत अच्छा। और यहाँ हम बहुत बड़े बड़े बकवास लोगों को बुलाते हैं। अभी भी आज हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं जैसे ही हम यहाँ पर लैंड करती क्या होती लैंड हमारा हवाई जहाज यहाँ पर लैंड करती। अच्छा अच्छा मैं तो कुछ और ही समझा। कंट्रोल नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आगे बता दी। हाँ तो हमारा हवाई जहाज यहाँ पर लैंड करती तो हमको ठंडक का एहसास होती। कश्मीर में लैंड होती? अरे नहीं हम तो दुबई से है ना तो वहाँ पर तो इससे भी ज्यादा गर्मी है। वहाँ पर हम काले पड़ जाते हैं। इतने तो काले होती और भी काले पड़ जाती। हाँ तो फिर कैसा रात में दिखती के नहीं बोलती तुम? सॉरी आगे बताती। तो अभी जैसे हम यूके से आए। कहाँ? उत्तराखंड? नहीं यूनाइटेड किंगडम। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे ठंडक होती और यहाँ पे भी थोड़ी ठंडक होती। वैसे आपका नाम बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम बिन सलमान बिन अब्बास बिन जाफर बिन हबीती वल हबीती वल जाफर बिन अब्बास होती। दादा का नाम भी आ गया शायद? नहीं ये तो सिर्फ हमारा नाम होती। हमारे पीछे जो हमारे अब्बा का नाम लगती हमारे अब्बा का नाम होती बिन सलमान बिन जाफर बिन अब्बास बिन कुतुब वल बिन जाफर बिन हबीती होती। आपके वहाँ चेकबुक दो पेज की होती होगी है ना? क्योंकि पहले पेज पे तो आपका नाम आपका अब्बा का नाम ही भरा जाता होगा फिर बैंक का नाम अमाउंट सिग्नेचर ये तो सब सेकंड पेज पे जाता होगा। वैसे आपके पास गाड़ियों का कलेक्शन कितना होती? सॉरी छोटू पानी ला सर के लिए। हम बचपन से ही बहुत गरीब होती। सबके बच्चे बुगाटी और रोल्स रॉयस में स्कूल जाती और हमको लैम्बो में स्कूल जाना पड़ता था। लैम्बो वो लंबी साइकिल आती है वो? नहीं लैम्बोर्गिनी। बम्मा भाईन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और वापस रिटर्न में आने के लिए टैक्सी की वेट करनी पड़ती एक एक दो दो घंटे। फिर सुपरा आती उसमें आना पड़ता था। सुपरा कार वो 85 लाख वाली? हाँ। वो वहाँ पे टैक्सी में चलती है? हाँ। क्या बात कर रहे? और तो और लोगों के पास दो दो बुगाटी और दो रोल्स रॉयस होती। हमारे पास सिर्फ एक रोल्स रॉयस होती। घड़ी की एक रोल्स रॉयस 14 करोड़ की आती है। खुद का गरीब बता रहा है फकीर? सॉरी बात तो सही है। वैसे आपके वहाँ पेट्रोल क्या दाम होती? आधा दिरहम मीन्स इंडिया के 11 रुपए। बस सालों तुम पेट्रोल के पैसे देते हो क्या सगुन के पैसे? फिर तो तुम पेशाब करने भी गाड़ी लेके जाते होगी है ना? ना 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 हम तो थूकने भी गाड़ी लेके जाती। बहुत तेज हो रहा है। वैसे आपकी हॉबी क्या है? जी मुझे नाचना कूदना पसंद है। कहाँ कूदना पसंद है? समझ रहे हो हॉबीज भी स्टेज पर। ओके सॉरी। और आपके पापा क्या काम करते हैं? पापा पंचर की दुकान होती पापा की। हम पहले से ही बहुत गरीब होती। पापा दिन में 5-10 रोल्स रॉयस के टायर चेंज कर लेती। इसमें ही हमारा दिन चल जाती। मैं एक रोल्स रॉयस का टायर इंडियन रुपीस के हिसाब से 55,000 का आता है। दिन में 5-10 बदलो तो एक दिन की इनकम 5 लाख रुपए हुई। इंडिया में लोगों का एक साल का पैकेज इतना होता है फिर भी तुम गरीब होती। ऐसी गरीबी तो हमको भी चाहिए भाई। एक काम कर रिटर्न में मेरे को भी दुबई ले चल। सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल। चल छोड़। छोटू बहुत देर हो गई सर के लिए कुछ नाश्ता लेता। मैं एक वेफर लूंगा। छोटू एक वेफर का पैकेट भी लेता है। और एक चिली पटेटो। हाँ एक चिली पटेटो भी लेता है। और मीठे में पेस्ट्री मंगवा लीजिए। छोटू मीठे में पेस्ट्री लेता है। और एक बर्गर। छोटू बर्गर भी एक लेता है। और छोटू एक काम का पूरा मेन्यू काल लेता है सर के लिए। बस मेरा हो गया। हो गया
छोटो एक काम कर, दो कप चाय लेता है ना, मैं कॉफी लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटो एक का एक चाय और एक कॉफी लेता ना, और सर आपके लिए एक प्लेट रस मलाई भी लगा दो। कंट्रोल ना ना, बस ठीक है ठीक है, कंफर्म। चलो नाश्ता आता है वहां तक। ये बताइए, आपकी शादी होगी? हाँ, बहुत पहले। बहुत पहले? क्या बचपन में होती? नहीं, थोड़ी बड़ी होती तब शादी हो जाती हमारी। अच्छा, वैसे कितनी एज में आपकी शादी होती? यही करीब 15 साल। और अभी आपकी क्या एज है? करीब करीब 25 साल होगी। इतनी कम एज में शादी? आपकी वाइफ कहाँ की है? कहाँ? अरे वहाँ। क्या स्पेस में एलियन लाए हो क्या वाइफ? अरे नहीं नहीं, तो रशिया से। ओ अच्छा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। वैसे आपके शादी को 10 साल हुए, तो बच्चे भी होती? हाँ। कितने? तो सलमान, हारून, 12 होती। मतलब जब दुबई वर्ल्ड कप खेलेगा तो 11 प्लेयर और एक एक्स्ट्रा का आपके घर ही से निकल जाएगा। बेस्ट छोटो, नाश्ता बाद में ला, पहले मेडल ला सर के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो फिर आप काम तो करती नहीं होगी, क्योंकि 12 बच्चों को संभालते संभालते ही रात के 12 बज जाती होगी। अरे नहीं, मैं डेली व्लॉग बनाती। ऐसा? यू आर ऑल्सो यूट्यूबर? यस। कितने सब्सक्राइबर है वैसे? 10। 10 मिलियन? अरे 10। 10 लाख? अरे 10। 10,000? अरे नहीं, 10। सिर्फ 10? हाँ। और अभी आप भी कर लेती तो 11 हो जाती। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वैसे आपको व्लॉग बनाने में तो आसानी होती होगी? अरे नहीं, मैं बहुत मेहनत करती। अरे पूरे घर में 14 लोग हैं, 12 बच्चे और 2 आप, पूरा बिग बॉस ही बन गया। आपके घर में लड़ाई तो होती होगी बच्चों में? अरे बहुत। बस तो फिर हो गया ना बिग बॉस का सीजन, पूरे घर में कैमरे फिट कर दो, पूरा एक दिन का व्लॉग निकल जाएगा। आइडिया अच्छा है। वैसे आप किस व्लॉगर को देखते हो? आप ही का है, इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर, वो गौरव जोशी। सौरव जोशी? हाँ। वैसे अभी व्लॉग चल ही रहा है, आप बोलो तो एक आध क्लिप बना लेती। हाँ, क्यों नहीं। हे गाइस, सब्सक्राइबर 10 और गाइस बोल रहे हैं। कुछ बोला आपने? अरे नहीं, बना दी। हे गाइस, तो हम आज आए हैं एक बकवास पॉडकास्ट में, ये बहुत ही फनी है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से देखना और प्लीज इन्हें सपोर्ट करना। सपोर्ट मांगो? तो हाँ, मुझे भी सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे बकवास पॉडकास्ट में, क्योंकि बिग बॉस के घर में से टाइम निकालना बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। वैसे आपका बजट क्या हुआ? अरे दोस्ती में क्या देना देना, जो देना हो दे देती। अरे नहीं, फिर भी बोलिए ना कितना हुआ। अरे दे देती यार। अरे फिर भी बोलिए कितना हुआ। 5 करोड़ दे देती। 5 करोड़? दोस्ती है तो 5 करोड़ बोल रहे, ना होती तो घर के कागज देने पड़ते। वैसे ना होती तो कितने लेते? ज्यादा नहीं, 50 करोड़। छोटो एक लेदर का बेल्ट ले आना। मैं गुच्ची का बेल्ट लूंगा गिफ्ट में। हाँ दूंगा।